अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौसुल किचन। मैं आज बना रही हूँ रशियन कबाब, जिसके लिए मैं लूँगी आधा किलो बोनलेस चिकन, सेवई फ्राई करने के लिए हमें कोथमीर, 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 मीडियम साइज़ के बटाटे और थोड़ी सी शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची, गाजर और फरस भी, 2 अंडे, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच काली मिरी पाउडर। बटाटे को मैंने उबाल के मैश करके ले ली हूँ, इसको अच्छे से मैश करके ले लेंगे हम। और अब हम चिकन को बॉईल होने के लिए रखेंगे। इसमें मैं अभी ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन पेस्ट, हम डाल देंगे इसमें 1 गिलास जितना पानी डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिरी पाउडर और नमक ऐड करेंगे, थोड़ा ऐड करेंगे इसमें अभी हम, कि हमारा ये चिकन मतलब फीका नहीं लगे वो हिसाब से। और इसे हम अभी इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये देखो चिकन भी ये बॉईल हो चुका है ना अभी, और इसका जो पानी है वो भी मैं रखूँगी साइड में, क्योंकि ये मुझे आगे चाहिए होगा, इस्तेमाल होगा ये हमें। और अभी इसको हम लोग रेशे रेशे इसके अलग कर लेंगे। तेल ली हूँ थोड़ा, उसमें मैं ये अभी गर्म हो जाएगा जब ही, तो ये इसमें ये डालूंगी मैं, गाजर, शिमला मिर्ची, बारीक फ्लेम पे ही रखेंगे ना तो जल जाएंगे, और ये फ्रेंच बीन्स। अभी इसको थोड़ा नरम करके ले लेंगे, अभी थोड़ा हाई करेंगे फ्लेम हमारा, जब तक का ये भाजी सॉफ्ट हो रही है, जब तक आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो। भाजी भी देखो मैंने ना एकदम बारीक बारीक चॉप करके ले ली, क्योंकि ये बच्चों को मुंह में आएगी भी नहीं, सिर्फ चिकन उन लोगों को मुंह में लगेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसमें वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड हुई है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये थोड़ा नमक, क्योंकि हमने चिकन में भी थोड़ा नमक डाले थे, तो इसको हम थोड़ा सा ही नमक इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर इसमें मैं चिली फ्लेक्स और काली मिरी भी मैं डाल दूंगी, इसको हिला लेंगे अच्छे से। ये इसके अंदर अभी मैं ऐड करूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च है ना, हम थोड़े हिसाब से डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें चिली फ्लेक्स और हरी मिर्ची दोनों का इस्तेमाल किया है ना, इसके हिसाब से हम उसके हिसाब से ही लेना है। इसमें अभी मैं 2 चम्मच मैदा ले लूँगी, उसको मैं अभी इसमें ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से चला लेंगे, इसे अच्छे से भूनेंगे इसको, फ्लेम नहीं फास्ट करना इसकी, क्योंकि मैदे की है ना कच्ची महक नहीं आनी चाहिए इसमें। ये हम भून लिए इसको, और फिर इसके अंदर हम अभी पानी, मैंने आपको बताया था ना वो चिकन का जो पानी था वो हम रखेंगे करके, तो वो अब ये टाइम पे इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये इसका बनाने के लिए स्टॉक, ये इसके अंदर ऐड करेंगे, पानी हम दूसरा नहीं यूज़ करेंगे। अगर आपके पास में चिकन का पानी नहीं बचता है तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है चिकन का पानी हमारे पास में रहे। ये हम इसमें ऐड करेंगे, ये इसे हिलाते रहेंगे, नहीं तो आटा जो इसमें हमने डाला है ना मैदा वो नीचे से लगने लगेगा फ्राई पैन में। ये हो चुका है हमारा ये रेडी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी चिकन, अब चिकन ऐड कर देंगे जो हमने लिए थे, हमने इसको रेशे रेशे अलग अलग कर लिए थे। अच्छे से मिला के इसको ले लेना है। अब इसके साथ में मैं आलू भी इसमें डाल दूंगी, ये आलू जो मैश करके हमने लिए थे ना वो इसमें अभी डाल देंगे साथ में, और अच्छे से हिला के ले लेंगे।
मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। पूरा चिकन में आलू और जो हमारे वेजिटेबल्स जो भी हमने डाले थे ना मसाले, वो सब इसमें मिक्स अच्छे से हो जाना चाहिए। ये हमारा मिक्स हो गया। अभी ये मेरा मसाला पूरा इसमें चिकन बटाटा वगैरह सब जो भी वेजिटेबल्स भी था ये सब मिक्स हो गया है। अभी इसको मैं निकाल लूँगी नीचे और थोड़ा ठंडा होने दूँगी। ठंडा होएगा जब भी, उसके बाद ही हम इसको कटलेट्स बनाएंगे। अभी ये ठंडा हो चुका है ना। अभी इसमें थोड़ी सी मैं कोथमीर भी ऐड करूँगी। कोथमीर ऐड करके अभी इसको मिला लेंगे अच्छे से। थोड़ा तेल लगा लेंगे हाथ में और इसको फिर इसको शेप दे देंगे। आपको जो शेप देना है वो हम शेप दे सकते हैं। आपको गोल देना है क्या है। और ये सिर्फ चिकन चिकन ही लगेगा, इसमें आटा ज़रा भी नहीं लगेगा। जो बाहर मिलता है ना वैसे ये आटा आटा नहीं लगेगा। आपको चिकन इसमें खाएंगे तो आप उसको आपको पता चलेगा कि इसमें ज़्यादा चिकन है। इसको फिर तेल लेके मैं बनाऊंगी। ये बना के ऐसे ही अभी मैं इसको सबको ले लूँगी। ये बन के तैयार है शेप देके। अभी मैं इसको अंडे में डीप करके ये सेवैयाँ जो हमने रखे थे उसके अंदर मैं अभी इसको कोट करूँगी। ये पूरे अच्छी तरीके से कोट कर देंगे। वापस से एक और बार रिपीट करेंगे। फिर इसको कोट करेंगे। ऐसे ही करके मैं अभी सब ले लूँगी। अभी ये देखो, ये मैंने ऐसा कोट करके ले लियो है ना, दिख रहा है ना ये अच्छे से। इसका शेप भी इतना अच्छा है। और अभी मेरा तेल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें फ्राई करके लूँगी। ये हम सब डाल देंगे इसमें और इसको गोल्डन होने तक फ्राई करके अच्छे से ले लेंगे। बारीक फ्लेम पे ही रखना थोड़े देर। इसको अभी इसको पलट लेंगे। मैं इसमें एक आपको टिप भी दूंगी, ये सेवई हमारी निकली नहीं है। आप फ्राई पैन में भी देखोगे ना कि ये सेवई ज़्यादा निकली नहीं है, झड़ी नहीं है। ये इसकी वजह ये है कि मैंने जो हमने ये सेवई का जो ये लिया था ना उसमें मैंने ब्रेड क्रम्स मैंने इसके अंदर मिक्स करी थी। आप सेवई लोगे तो 2 चम्मच 3 चम्मच ऐसा उसके हिसाब से, सेवई के हिसाब से आप ब्रेड क्रम्स भी इसमें ऐड करोगे ना तो आपकी सेवैयाँ भी ज़्यादा नहीं लगेगी और आपका ये जो चीज़ आप कोटिंग कर रहे हो उसको कोटिंग भी अच्छे से हो जाएगी। आप देख सकते हो, देखो ये कोटिंग भी इतने अच्छे से हुआ है और अच्छे से एकदम पकड़ लिया है इसको सेवई। तो ये थी हमारी रशियन कबाब की रेसिपी। अब आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी वो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। ये था हमारा कमेंट वाला, किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि रशियन कबाब की भी रेसिपी डालना। ये वो रेसिपी है रशियन कबाब की रेसिपी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखना।